नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और जितने भी अपडेट्स आज हम आप लोगों के सामने रखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, सब अपडेट्स एक से बढ़कर एक होगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुष्पा सीरीज और वायर स्पाई यूनिवर्स सीरीज के ऊपर बात करेंगे। सो पहले बिना देरी करे पुष्पा सीरीज के ऊपर बात करते हैं। वेल, कल यानी 8 अप्रैल को पुष्पा सीरीज का सेकेंड डोज यानी पुष्पा 2 द रूल का टीजर लॉन्च हुआ था, जो काफी जबरदस्त उतासु था और इसी वजह से हम भी अपने आप को रोक नहीं पाए और इस टीजर का रिव्यू हमने बना दिया। और फिर आप लोगों का प्यार देखकर हमारा दिल भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और दिल से कह रहा है शुक्रिया आप लोगों का। वेल दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अपडेट की तरफ। लेटेस्ट बज ये है कि फिल्म का टीजर अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर रिलीज हुआ था, जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। टीजर ने ऑडियंस को स्पेल बाउंड कर दिया है और आने वाले इलेक्ट्रिफाइंग सिनेमेटिक एक्सपीरियंस का इंतजार और बढ़ा दिया है। इस बार पुष्पा 2 हिस्ट्री बनाने जा रहा है। यह पहली तेलुगु फिल्म होगी जो बांग्लादेश में भी रिलीज होगी। इससे पुष्पा फ्रेंचाइजी की ग्लोबल पहुंच और इंपैक्ट और भी बड़ा हो जाएगा। वेल दोस्तों, एक और अपडेट है अबाउट पुष्पा 2 मूवी, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि श्रेयस तलपड़े जी के वॉयस के बिना हिंदी डब्ड पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन जी का एटीट्यूड अधूरा है। सो अकॉर्डिंग टू द मेकर्स, श्रेयस तलपड़े जी वापस आ रहे हैं एज ए डबिंग आर्टिस्ट ऑफ द मूवी पुष्पा 2, जिसमें अल्लू अर्जुन जी का वॉयस को डब करेंगे श्रेयस तलपड़े जी। चलिए दोस्तों, अब जरा बात कर लेते हैं पुष्पा 2 मूवी के OTT राइट्स के ऊपर। वेल, नेटफ्लिक्स ने फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स सभी लैंग्वेजेस के लिए ले लिया है और वो भी सिर्फ 150 करोड़ रुपए में। यानी फैंस पूरी दुनिया में इस एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म का मजा ले सकते हैं। 15 अगस्त 2024 को पुष्पा 2 रिलीज हो रहा है और फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ते ही जा रहा है। यह फिल्म ऐसी एक्सपीरियंस देगी कि लोग स्पीचलेस रह जाएंगे और ज्यादा देखने की तमन्ना करेंगे। वेल दोस्तों, अब वक्त हो चला है पुष्पा सीरीज का अपकमिंग थर्ड डोज के बारे में बात करने का, वो है पुष्पा 3 द रोर। वैसे अभी तक पुष्पा 2 का दहाड़ शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन उधर से पुष्पा 3 का रोर सुनाई दे रहा है। हमारा मतलब यह है कि और एक और बड़ी बात, जगपति बाबू पुष्पा 3 में मेन विलेन का रोल करेंगे। यानी कि पुष्पा 3 जो है पुष्पा सीरीज का फाइनल चैप्टर होने वाला है और पुष्पा 3 का विलेन ही पुष्पा सीरीज का फाइनल सबसे बड़ा विलेन होने वाला है। और मे भी पुष्पा 2 मूवी में भी जगपति बाबू का एक विलेनियस रूप का एक झलक देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी जगपति बाबू बॉलीवुड फिल्म रसलैन में बिजी है। वेल दोस्तों, अब चलते हैं हमारे सेकंड अपडेट यानी वायर स्पाई यूनिवर्स सीरीज के ऊपर जरा बात कर लेते हैं। आज हमें एक बड़ी खबर मिली है जिसके मुताबिक एक्टर अनिल कपूर YRF की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बन गए हैं। रिपोर्ट के माने तो अनिल कपूर ने YRF के साथ कई फिल्मों का डील साइन किया है और वो एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म में आलिया भट्ट के साथ रोचिप के रोल में नजर आएंगे। अनिल कपूर जी की एंट्री इन स्पाई यूनिवर्स विल बिकम ए बिग टर्निंग पॉइंट। सोर्सेस का कहना यह है कि वो महान अभिनेता गिरीश कर्नाड के द्वारा निभाए गए किरदार को नया रूप देना चाहते हैं। इससे जहां एक तरफ स्पाई यूनिवर्स में एक नई जान आएगी, वहीं दूसरी तरफ गिरीश कर्नाड की शानदार एंड ग्लोरियस ट्रेडिशन भी कायम रहेगी। अकॉर्डिंग टू द बॉलीवुड हंगामा, वायर स्पाई यूनिवर्स में अनिल कपूर जी जिस फिल्म से शुरुआत करने जा रहे हैं, वो फिल्म शिव रावल जी डायरेक्ट करेंगे और उस फिल्म में आलिया भट्ट एंड सरवरी वाघ दोनों अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। इसके अलावा खबर यह है कि अनिल कपूर जी पहली बार स्पाई यूनिवर्स के चीफ के रूप में वॉर 2 मूवी में नजर आ सकते हैं, जो एक कैमियो होगा और इससे उनकी स्पाई यूनिवर्स में प्रेजेंस को एक मजबूती देगा। वेल दोस्तों, वायर स्पाई यूनिवर्स और वॉर 2 मूवी की बात छिड़ी है तो हमारे पास अभी अभी एक और न्यूज आया है अबाउट वॉर 2 मूवी, जिसके मुताबिक पहले तो सुनने में आ रहा था कि जूनियर NTR जी का रोल एक स्पाई एजेंट का होगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि जूनियर NTR का रोल इसमें डबल होने वाला है। मतलब वॉर 2 मूवी में जूनियर NTR जी डबल रोल में नजर आएंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। वेल, इस न्यूज को आप लोग एक रूमर के हिसाब से ले क्योंकि इसका कोई अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। रूमर के मुताबिक जूनियर NTR वॉर 2 मूवी में डबल रोल यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे और सुनने में आ रहा है कि जो नेगेटिव कैरेक्टर होगा जूनियर NTR जी का, वो ठीक इंटरवल से पहले रिवील किया जाएगा। वेल, अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज आया था कि जूनियर NTR वायर स्पाई यूनिवर्स में एक जगह बना दिए हैं और उनके ऊपर एक स्पेशल मूवी बनने वाला है वायर स्पाई यूनिवर्स के अंदर।
अगर इस खबर के हिसाब से देखा जाए तो शायद ये न्यूज सच हो सकता है, लेकिन जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती है तब तक आप लोग इसे रूमर माने। अच्छा दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड बाय।